आइए स्टूडेंट्स, अब हम सीखते हैं कि थ्री डिजिट्स का कोई भी नंबर यदि आपके पास आ जाए तो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हो। अगेन मैं एक सिंपल सा नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे हमारे पास है 213 और इसका मल्टीप्लाई करना है 121 से। ठीक है, तो हमने स्कूल वाली जो मैथड सीखी है उससे हम कर सकते हैं, बट नया हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक याद रखने के लिए एक रूल टाइप आपको लिख देता हूँ, ABCDEF। ठीक है, अब हम इसको 5 स्टेप में इसका आंसर लाएंगे। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, 3, 4 एंड 5। ओके, तो यहां पर भी हम लास्ट, जैसे आपने 2 डिजिट में किया था, सबसे पहले आप शुरुआत इन दोनों से करेंगे। एक बेसिक आप समझ लीजिए कि शुरुआत यहां से होगी और इनको फिनिश हम यहां पर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सी और एफ का मल्टीप्लाई कर दोगे तो यह आ जाएगा। अच्छा, यहां पे एक और चीज चलती है, हम अपने याद रखने के लिए कर सकते हैं 24642। ठीक है, 24642 का मतलब क्या है कि आपको पहले 2 डिजिट लेना है, फिर 4 डिजिट लेना है, फिर 6 डिजिट लेना है, फिर वापस से 4 और वापस से 2। इस तरीके से हम चलेंगे। तो हमने सबसे पहले केवल 2 डिजिट लिए, मतलब सी और एफ का मल्टीप्लाई किया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अब चारों डिजिट हम ले सकते हैं। तो इसको यदि हम छोड़ें तो बी का एफ में और सी का ई में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे बी इंटू एफ प्लस सी इंटू ई, ये हो गए। अब हम कितने डिजिट ले सकते हैं, पूरे 6। पहले हमने इन 2 को लिया, फिर इन चारों को लिया, अब पूरे 6 डिजिट लेना है। 6 डिजिट किस तरीके से लेंगे वो ध्यान से समझिए। तो आप ए का मल्टीप्लाई एफ में करोगे, सी का मल्टीप्लाई डी में करोगे और बचे बी और ई, तो इनका मल्टीप्लाई आमने सामने हो जाएगा। तो ए इंटू एफ प्लस सी इंटू डी प्लस बी इंटू ई, ये हो जाएगा। अब आप देखिए, ये एक प्रकार से ऐसा है कि एक एक स्टेप चढ़ना है फिर उतरना है। आपको चढ़ना यहां से शुरू करना है और उतरना इन दोनों से है। तो सबसे पहले आपने सी और एफ का मल्टीप्लाई किया, फिर आपने इन चारों का मल्टीप्लाई किया, फिर आपने पूरे 6 का मल्टीप्लाई किया। अब हम इस तरफ से इनको छोड़ देंगे क्योंकि हमें वापस से 4 के रूल पर आना है, तो हम इन दोनों को छोड़ देंगे। तो यदि आप इन दोनों को छोड़ देते हो तो क्या बचेगा, तो देखिए ए का मल्टीप्लाई ई में और बी का मल्टीप्लाई डी में, तो ए इंटू ई प्लस बी इंटू डी, और लास्ट में ये दोनों बचेंगे तो ए इंटू डी। ठीक है, फर्स्ट टाइम समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आपको लग सकता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट प्रैक्टिस के बाद आपको इसमें बहुत मजा आएगा, आपका इससे टाइम काफी बचेगा। क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं तो क्या है, 1 का मल्टीप्लिकेशन हम तीनों में करें, फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन, फिर 1 का, फिर सबको जोड़ें, काफी टाइम आपका वेस्ट होगा। तो अब आप देखिए, इस रूल को हम यहां लगाते हैं, 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, बहुत आसानी से आप सीख जाओगे। जब भी मैं फर्स्ट टाइम पढ़ाता हूं, सबके माइंड में यही आता है कि इससे तो वो स्कूल वाला तरीका अच्छा है, पर 2-3 क्वेश्चंस करने के बाद आपको भी फील होगा कि नहीं, ये मेथड बहुत अच्छी है। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत इन दोनों से करेंगे, तो 3 और 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 3। फिर हम इन दोनों को छोड़ेंगे तो 1 × 1 हो जाएगा हमारा 1, 3 × 2 हो जाएगा 6, तो टोटल हो जाएगा आपका 7। ओके, अब आप पूरे 6 डिजिट को लेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में कर दोगे तो वो हो जाएगा आपका 2, 3 का मल्टीप्लाई 1 में कर दोगे तो हो जाएगा 3, और 2 × 1 हो जाएगा 2। यदि इन सबका आप टोटल करेंगे तो इन तीनों का टोटल क्या हो जाएगा, 3, 2, 5 और 2, 7, ये हो गया। अब हम इसको छोड़ देंगे तो 2 का डबल हो जाएगा और एक हो जाएगा 1, तो टोटल हो गया ये 5, और लास्ट में 2 × 1 कर दोगे 2, और ये आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर। तो इससे काफी जल्दी आंसर आएगा कंपेयर करें हम यदि अपनी स्कूल वाली मेथड से। तो ठीक है, बस आप इस रूल को दिमाग में बैठा लीजिए 24642 कि पहले आपको 2 डिजिट लेना है, फिर 4 डिजिट लेना है, फिर पूरे 6 डिजिट लेना है, फिर वापस से रिवर्स 4 डिजिट एंड 2 डिजिट। तो शुरू आप यहां से करोगे, फिनिश आप यहां पे करोगे, 2-4 क्वेश्चंस करने के बाद बहुत अच्छे से आपकी हैबिट में आ जाएगा। एक बार और मैं इसको रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले आपने 3 और 1 का मल्टीप्लाई करा, 3 × 1 हो गया 3। अब चारों डिजिट लेंगे तो 1 × 1 हो जाएगा 1, एंड 3 × 2 हो जाएगा 6, तो 6 + 1 हो जाएगा आपका 7। अब पूरे 6 डिजिट लेंगे तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, 3 × 1 हो जाएगा 3, और इनका आमने सामने होता है 2 × 1 2, तो टोटल हो गया 7। अब इसको हम छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचता है, 2 × 2 एंड 1 × 1, तो 2 का दुगना हो गया 4, 1 और 1 हो गया 1, टोटल हो गया 5, और लास्ट में 2 × 1 कर दोगे तो आ जाएगा 2। तो इस टाइप से आपका आंसर आ गया 25773। और एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, और उसको भी इसी मेथड से हम करते हैं।
तो हम एक सिंपल सा नंबर ले लेते हैं 123 इंटू 312, ठीक है। यहां पे कैरी भी आ जाएगा, मतलब हासिल का जो लेने का होता है वो भी आ जाएगा। तो सबसे पहले आप करेंगे 3 का डबल हो जाएगा 6, देन 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, तो अगेन टोटल क्या हो जाएगा आपका 7। अब पूरे 6 डिजिट लेंगे तो 2 इंटू 1 हो जाएगा आपका 2, इनको मैं हटा देता हूं, 3 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे 9, और इनका आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो इन सब का यदि आप टोटल करते हो तो 9 और 2 11, 11 और 2 जुड़कर कितना हो जाएगा 13 का 3, कैरी हो जाएगा 1। अब हम इसको छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचा, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 2 हो गया 6, तो टोटल कितना हो गया, तो 6, 7, 8, और लास्ट में 3 इंटू 1 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 38376। तो आई होप कि अब आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आया होगा फर्स्ट टाइम में। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत होगी, पेशेंस आपको लूज नहीं करना है, आपको चीजें अच्छे समझ में आएंगी। तो ये हमारा एक और एग्जाम्पल हो गया, फिर हम इसको और एक क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं 145 इंटू 234, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन और बढ़ जाएगा, तो सबसे पहले आप 5 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 और 4 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 20, 5 और 4 का गुणा करोगे 20, तो 20 का आप लिख दोगे 0 और हासिल का क्या हो जाएगा आपका 2। अब आगे बढ़ेंगे तो 4 और 4 हो जाएगा आपका 16, 5 और 3 का गुणा हो जाएगा 15, इन सबको यदि आप जोड़ेंगे तो 15 और 16 हो जाएगा 31, 31, 31 और 2 हो जाएगा कितना 33, तो ये हो गया 33, कैरी हो जाएगा आपका 3। अब पूरे 6 डिजिट लेना है, तो 4 का 1 में गुणा कर दिया, 5 का 2 में गुणा कर दिया, और इनका आमने सामने कर दिया 4 और 3 का गुणा, तो टोटल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 10 और 12 22, 22 प्लस जुड़ जाएगा 7, तो टोटल हो जाएगा 29 का आप लिखेंगे 9 और कैरी कर लेंगे अगेन 2 का। अब आप इसको छोड़ देंगे तो 3 और 1 हो जाएगा 3, 4 का डबल हो जाएगा 8, तो इनका टोटल हो जाएगा 13, 13 का लिखोगे 3, कैरी कर लोगे 1, और 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 33930। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका टाइम इसमें कम होते जाएगा और आप उतने सारे नए नए क्वेश्चंस इसमें कर पाएंगे। अब यहां पे कुछ और कंडीशंस भी हो सकती है, सपोज करिए कि यहां पर केवल 34 होता और कुछ नहीं होता तो आप क्या करते, तो इसका जवाब बड़ा आसान है कि आप यहां पर क्या लगा देंगे 0, और 0 मानकर क्वेश्चन को फिर वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से आप यहां पर क्वेश्चन को कर लेंगे, तो 3 डिजिट और यदि 2 डिजिट भी आ जाए तो भी दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं हम इसको सॉल्व। तो 5 और 4 का गुणा करोगे 0 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा आपका 2, देन 4 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे 16, 5 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे 15, तो 15 और 16 होता है 31, 31, 31 प्लस 2 33 का आपने यहां लिखा 3, कैरी हो जाएगा आपका 3। अब हम पूरे 6 डिजिट लेंगे तो 4 इंटू 1 हो जाएगा 4, 5 इंटू 0 हो जाएगा 0, और 4 और 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 12, तो 12 प्लस 7 टोटल कितना हो जाएगा 19, तो 19 का यहां 9 लिख दिया, कैरी हमने कर लिया 1। अब हम इनको छोड़ देंगे, 5 और 4 जो लास्ट के उसको छोड़ देंगे, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, और 4 इंटू 0 तो 0 रहेगा, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, और 1 इंटू 0 भी क्या हो जाएगा 0, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4930। तो आई होप कि अब आपको सारे कंडीशंस इसकी समझ में आ गई होंगी। तो अभी तक हमने सीखा 2 डिजिट्स का एक कॉमन तरीका और 3 डिजिट्स का कॉमन तरीका, और ये आपको अपनी प्रैक्टिस में लाना है। आपको खुद रियलाइज होगा थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद कि इनसे आप जल्दी और आसानी से आंसर ला सकते हो, कंपेयर करें हम अपनी पुरानी मेथड से। और जितने भी सिलेक्टेड लोग होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, वो अपनी मेथड्स अलग यूज करते हैं, तभी वो इतनी जल्दी कैलकुलेट कर पाते हैं और अपने आंसर फास्ट ला पाते हैं। तो आगे इसके बाद हम सीखेंगे आप कुछ स्पेशल और कंडीशनल कुछ ट्रिक्स जो स्पेशल कंडीशंस में लगेगी और वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी।